हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इंसर्शन सॉर्टिंग से पहले प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग भी बेसिकली सेम होता है बबल सॉर्टिंग से। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि बबल सॉर्टिंग क्या होती। बबल सॉर्टिंग में अपन क्या करते रहे, पास बाय पास करते रहे, लेकिन उसमें असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट से शुरू होता है और एंडिंग में ख़त्म होता है। बीच में अपन कहीं भी उसको चेंज नहीं करते रहे। इसका मतलब कि बीच में कहीं भी कोई असेंडिंग वैल्यू, कोई छोटी वैल्यू आ जाती रहे तो उसको अपन फर्स्ट में नहीं ले जाते रहे। लेकिन इस इंसर्शन सॉर्ट में अपन देखेंगे कि कहीं भी अगर बीच में कोई छोटी वैल्यू आ जाती है तो उसको अपन फर्स्ट में कैसे लाएँ। तो अपन इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम फाइव वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या होगा, n-1, 5-1 = 4। ये भी अपन का 4 पासेस में कंप्लीट हो। चलिए हम शुरू करते हैं पास 1। तो अपन इन दोनों वैल्यू को सेम स्वैप करवाएंगे। कैसे स्वैप करेंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू अपन को वैल्यू किसमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए है, तो इसको अपन बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू तो इसको स्वैप करवाएंगे। तो ये 48 आ जाएगा, 88 इधर आ जाएगा, 52 ये सब एज इट इज़ आ जाएंगे, 59। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन की ये दोनों वैल्यू हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, 52 है अपन के पास। तो 52 अपन ऐसा देखेंगे कि इससे पहले अपन की कोई छोटी वैल्यू है कि नहीं है, अगर सॉरी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये अगर छोटा होगा तो इसको अपन को आगे करना पड़ेगा, जो भी बड़ी वैल्यू पीछे करना पड़ेगा। तो अपन इस स्वैप कराएंगे तो क्या ये 88 बड़ा है, तो अपन को क्या करवाना पड़ेगा, स्वैप करवाना पड़ेगा इसे 52 से। तो 52 इधर आ जाएगा। अब जब 52 इधर आएगा तो इससे पहले अपन की क्या है, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू तो है नहीं कि अपन इसको पीछे करवाएंगे। तो 48 देन ये 52 इधर आ जाएगा, 88 यहाँ, क्योंकि अपन की सेम इधर ही ऐसे है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू होती वो पीछे जाती जाती डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो छोटी होती है असेंडिंग में वो आगे आ जाती। अपन ऐसे करेंगे 48 ये ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को स्वैप करवाते हैं तो 52 88 देन ये एज इट इज आ जाएंगी। देन नेक्स्ट ये वैल्यू हो गए अपन, फिर उसके बाद क्या है 11। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि इससे पहले अपन की कोई बड़ी वैल्यू होगी जिसको अपन पीछे कराना पड़ेगा। तो इससे पहले अपन देखो क्या है, 88 है, तो 11 से क्या है बड़ा है, तो अपन के पीछे करवाना पड़ेगा। तो अपन कैसे करेंगे, ये 88 है, इससे पहले 11 करेंगे। ठीक है, तो 88 को अपन काटे, 88 की जगह 11 की जगह 88 कर दिए और इधर 11 आ गए। अब देखते हैं इससे पहले कोई है और क्या है, ये 52 है, 52 क्या है 11 से बड़ा है, तो अपन पहले छोटे करें फिर। तो 52 की जगह 11 आ जाएगी, 11 की जगह 52 आ जाएगा। अब इससे पहले अपन चेक करते हैं क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, 48 11 से बड़ी है ना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू के पीछे करना पड़ेगा। तो 11 आगे आ जाएगा और ये जो 11 है 11 की जगह 48 आ जाएगा, ये ऐसे। तो अपन इसको लिखेंगे, 11 फर्स्ट में आया है तो 11, देन 48 यहाँ आ रहा तो 48, देन 52, देन 88 यहाँ आ गया रहा, 59 है, डेट आ जाएगा। अब अपन की लास्ट वैल्यू क्या बची है, 59 अपन को सेम ऐसे ही करना है। 59 इससे पहले क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो अपन को क्या करना है, स्वैप करवाना पड़ेगा। स्वैप करवाएंगे कैसे, 88 पीछे चला जाएगा और 59 यहाँ आ जाएगा। अब फिर चेक करेंगे इसमें क्या, ये 52 है, 52 क्या छोटा ही बड़ा है, तो अपन इसको स्वैप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और 59 बड़ी वैल्यू, तो अपन छोटी वैल्यू को हमेशा आगे रखते हैं और बड़ी वैल्यू को पीछे असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अपन कैसे लिखेंगे, 11 ऐसे ही रहेगा, 48 देन 52, और 59 में स्वैपिंग नहीं हुई है तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, और जी 88 रहा ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ये हमारी वैल्यू हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, और कितने पासेस में, पास 1, 2, 3 एंड 4, 4 पासेस में कैसे हुई रही, क्योंकि अपन की 5 वैल्यू रहे। हमेशा आप याद रखें, जितने भी ऊपर वैल्यू रहती ना उससे एक कम पास में ही कंप्लीट होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो अपन की 5 वैल्यूज रही, अपन के पास 4 में कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये अपन की इंसर्शन सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई है। इंसर्शन सॉर्टिंग
कंप्लीट। एन माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर हो गया, ये फोर पासेस कंप्लीट हो गया। असेंडिंग ऑर्डर इलेवन, फिर 48, 52, 59, 88, सबसे लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर और छोटा छोटा। असेंडिंग में ऐसे देखेंगे अपन, तो अपन की पूरी वैल्यू शॉर्ट हो गई इंसर्शन। अब इसका एक लास्ट चीज़ और होती है कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी बताई रही मैंने पिछले में, एवरेज एंड वॉस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आप लोग पता है? सेम ऐसे ही होगी, बिग ओ एन स्क्वेयर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला भी इंसर्शन सॉर्टिंग समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।